तरीन खबरें जानने के लिए आवाज़ इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। 100 मेडल टारगेट फाउंडेशन द्वारा प्रतिभा पहचान गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित। हिंदुस्तान सॉल्ट व सी के बिरला अस्पताल रहे प्रायोजक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब में 100 मेडल टारगेट फाउंडेशन द्वारा एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस एनजीओ की स्थापना कर्नल हिम्मत वर्मा ने की है। यह 17 साल से कम उम्र के बच्चों और 16 से 25 साल के कैडिज के लिए है। मुख्य अतिथि मेजर जनरल राजेंद्र राय जीओसी 61 सब एरिया। अन्य विशिष्ट अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल विश्वंबर सिंह सेवानिवृत्त, डॉक्टर अशोक गुप्ता कैप्टन आरजीसी और विष्णु मोहन झा मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी। प्रायोजक सी के बिरला अस्पताल के अनुभव सुखवानी यूनिट हेड रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल और हिंदुस्तान सॉल्ट है। सभी प्रतिभागियों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहा। 9 अलग अलग जगहों से कुल 61 प्रतिभागी ने हिस्सा लिया। यह टूर्नामेंट बच्चों और कैडीज को गोल्फ और आउटडोर खेलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का एक सामाजिक कारण है। हिंदुस्तान सॉल्ट की सहायक कंपनी सांभर सॉल्ट के जीजीएम महेंद्र प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि 100 मेडल टारगेट फाउंडेशन के द्वारा जयपुर के रामबाग गोल्फ एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें इंडिया में ओलंपिक खेल के क्षेत्र में प्रतिभावान व्यक्तियों का 100 मेडल टारगेट फाउंडेशन द्वारा मिलकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में खेल क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया जा सके। इसमें प्रतिभागियों को सम्मिलित किया गया जिनमें खेल के प्रति जुनून व रुझान बहुत है, पर आर्थिक रूप से कमजोर के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान सॉल्ट इनकी आर्थिक रूप से मदद करते हुए एनजीओ के माध्यम से इन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिसमें विजेताओं को ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र, ड्रेस आदि का प्रबंध हिंदुस्तान सॉल्ट के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये यहाँ पे स्पॉन्सर हिंदुस्तान सॉल्ट सांबर सॉल्ट गरीब तत्व मध्यम वर्गीयों के उस आदमी को कर रहा है जिसको आगे की जाने की जरूरत है। आइए यहाँ पे मैं आपको जीजीएम महेंद्र प्रताप जी से बात करा के आज की क्या प्रोग्राम है इनके बारे में बताएंगे और मध्यम वर्गों के कैसे स्पॉन्सरशिप किया जाएगा ये भी इन्होंने बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आज के तारीख में सर बताइए सर आज का क्या प्रोग्राम है और कैसे क्या प्रोग्राम है। देखिए आज का प्रोग्राम एक फाउंडेशन है 100 मेडल टारगेट फाउंडेशन। इस प्रोग्राम ने ये टूर्नामेंट एक ऑर्गेनाइज किया है। ये जो फाउंडेशन है ये एक नोबल कॉज कि इंडिया में जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनमें कैसे हम टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, टैलेंट को निकाल के ला सकते हैं, उस पे फोकस करते हुए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। क्योंकि ये फाउंडेशन सारे ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑल अक्रॉस इंडिया इस पे फंक्शन कर रहा है, तो आज का ये प्रोग्राम गोल्फ स्पेसिफिक है जिसमें छोटे बच्चों को स्पेसिफिकली टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के प्रस्पेक्टिव से यहाँ पे बुलाया गया है। करीब 61 पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे अभी पार्टिसिपेशन किया है और आज हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड इस नोबल कॉज में इस फाउंडेशन के साथ में है और हमारा पूरा प्रयास है कि देश हित में जो छोटे बच्चे हैं जिनमें एक अच्छा टैलेंट है उसको निखार सकें, उसको आगे ला सकें और उसमें हमारी कंपनी की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन हो सके, वो हम यहाँ पे करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर ये आपने बहुत अच्छा ये बताया जो हमारा यहाँ पे बच्चे लोग को ये गोल्फ के बारे में कई जानकारी दे रहा है और सबसे बड़ी बात है जो हिंदुस्तान सॉल्ट सांबर सॉल्ट ने ये मध्यम वर्गीय जो गोल्फ खेलने इच्छुक है और आगे नहीं बढ़ सकते उनके लिए जो स्पॉन्सरशिप करके आज ऐसी कार्य दिखाया है जो भारत के अंदर ऐसी कोई स्टेट नहीं है जो ये कार्य दिखा सकते हैं। इसी के लिए यहाँ का हिंदुस्तान सॉल्ट के
चेयरमैन कमलेश कमाडोर कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चैनल के तरफ से भी, और भारत सरकार के जो जी आज का प्रोग्राम बताइए आप, ये आज किस बारे में, ये टैलेंटेड आइडेंटिफिकेशन गोल्फ टूर्नामेंट का आपने जो आयोजन किया है उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे एक स्पोर्ट्स का एनजीओ है जो सितंबर 2021 में रजिस्टर हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, और इसका नाम मैंने रखा है 100 मेडल्स टारगेटेड फाउंडेशन। ये जो नाम रखा है ये मैंने काफ़ी रिसर्च और जांच के खोज के बाद रखा है, क्योंकि हमारी जितनी जनसंख्या है देश में और जितना हमारे पास हुनर है, टैलेंट है, और जो हमारे मेडल आते हैं अपनी जनसंख्या को बनस्पत, तो वो कुछ तालमेल नहीं खा रहा था, तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा 100 मेडल्स टारगेटेड फाउंडेशन, कि हम लोग, हमारी काबिलियत है, हमारी कैपेबिलिटी है कि हम ओलंपिक्स में 100 मेडल ला सकते हैं। तो मेरा टारगेट है 100 मेडल्स बाय समर ओलंपिक्स 2028, क्योंकि अगला ओलंपिक्स तो 2024 में ही है, तो मेरा टारगेट 100 मेडल का बाय समर ओलंपिक्स 2028 तक का है। हिंदुस्तान सॉल्ट जो स्पॉन्सर किया था उनके लिए आपने क्या बोलना चाहते? हिंदुस्तान सॉल्ट सांबर सॉल्ट ने हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया, उनकी टीम बहुत पॉजिटिव है, कॉमोडोर कमलेश, जीजीएम, सारे स्टाफ, सारे ऑफिसर, जितने भी अधिकारी जितने भी हैं हिंदुस्तान सॉल्ट के बहुत ही पॉजिटिव हैं, और उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक मेरा हाथ पकड़ा और मेरे एनजीओ को सपोर्ट किया, और उसमें जितने भी हमारे खर्चे थे, कुछ फ्लैक्स, बैनर्स, पोस्टर्स के इत्यादि, वो हिंदुस्तान सॉल्ट ने कवर किया, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है कर्नल हिम्मत वर्मा और मैं इस एनजीओ का डायरेक्टर हूँ। धन्यवाद सर, हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर मीडिया को कोई आप थोड़ी इशू करेंगे? किस टाइप का बताइए? Just a basic number which I would like to share. We have touched around 1.5 lakh people in Rajasthan through our medical services. And obviously, when we talk about sports, there are a lot of things which come into the play from the hospital's point of view. One is obviously the fitness. Second, when you play, you have a lot of injuries also. Great medals. So, as sir also said, that our country is having enough potentials. We just need to give them the right path, we just need to give them the right guidance and directions, and the opportunities like this where they can come, they can play and they can share what else they can do for the country and all. So on behalf of Hindustan Salt, Sambar Salt Limited, I want to assure this foundation for the work which they are doing, we are always with you. And with all the players, I would say that